क्या आपको मालूम है गेट ऑन टॉप ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए गेट ऑन टॉप ऑफ? अगर आप नहीं जानते हैं फिर ये वीडियो आपके लिए है। गेट ऑन टॉप ऑफ का मतलब होता है गेट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ समथिंग और समवन, यानी किसी चीज पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा जाना, यानी नियंत्रण पा जाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो भारत ने कोरोना वायरस पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है या नियंत्रण पा लिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इंडिया हैज गॉट ऑन टॉप ऑफ कोरोना वायरस। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस से बोला गॉट ऑन टॉप ऑफ कोरोना वायरस, जिसका मतलब हुआ कि कोरोना वायरस पर कम्प्लीटली कंट्रोल पा लिया है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह एक मुश्किल ऑपरेशन था, फिर भी हमारी टीम ने इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा ली या कंट्रोल कर ली, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट वॉज अ डिफिकल्ट ऑपरेशन बट आर टीम गॉट ऑन टॉप ऑफ इट, यानी यह एक मुश्किल ऑपरेशन था लेकिन हमारी टीम ने इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा ली। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला गॉट ऑन टॉप ऑफ इट, जिसका मतलब हुआ इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा ली। अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं जानते हैं कि कोरोना वायरस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कैसे पाना है, यानी नियंत्रण कैसे पाना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इवन नाउ, यानी अब तक या अभी तक साइंटिस्ट डू नॉट नो हाउ टू गेट ऑन टॉप ऑफ कोरोना वायरस, यानी अब तक या अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं जानते हैं कि कोरोना वायरस पर कैसे पूरी तरीके से कंट्रोल पाना है या नियंत्रण पाना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि गेट ऑन टॉप ऑफ क्या है और इसे कब बोलना चाहिए।